नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे पनीर पसंदा। पनीर पसंदा बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके अंदर की फिलिंग बनानी, जिसके लिए हम लेंगे चीज़, पनीर, क्रश काजू, ग्रीन चिली। ये सारे मिक्सचर को एक बाउल में लेके हमें मिक्स कर लेना है। अब इसकी थोड़ी सीजनिंग कर देते हैं। इसमें हम लेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, नमक, सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट। अब इसे करेंगे हम मिक्स। उसको एक स्पून अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम पनीर लेंगे, बड़े बड़े क्यूब्स काट लेंगे, इसके बीच में एक स्लिट मारना है। और ये ध्यान रखना पनीर पूरी तरीके से अलग ना हो। और इसमें हम ये जो मटेरियल हमने बनाया है इसको अच्छे से प्रेस कर करके इसके बीच में हम फिल कर देंगे। ये लीजिए, ये हमारा जो पनीर क्यूब है ये तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस हम सारे पनीर के साथ करेंगे। अब हमें एक थिक मैदे या फिर कॉर्नफ्लावर का एक बैटर बना लेंगे और उस पर सील को पैक करके हम इसको पैन ग्रिल कर देंगे। ध्यान रहे जब हम इसको पैन ग्रिल में डालें तो हमारा पैन गर्म होना चाहिए। और ये लीजिए, देखिए सारे पनीर हमने ग्रिल पर डाल दिए हैं और ये जैसे हो रहा है बिल्कुल दोनों साइड से इवनली कुक करना है। ये हम इसे टर्न कर रहे हैं। ये हमारा पनीर है, ये बढ़िया क्रिस्प हो गया दोनों ओर से, देखिए पनीर। अब हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के सबसे पहले ऑयल में हम लेंगे खड़े गरम मसाले। उसमें हमने लिया ऑनियन पेस्ट। अब हम इसे चलाते हैं। ऑनियन को तब तक भूनना जब तक ये बढ़िया गोल्डन ना हो जाए। स्लो फायर पे धीरे धीरे हम ऑनियन, ये देखिए हमारा ऑनियन गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे चलाना है। हमारी ग्रेवी अभी तैयार हो रही है। अब हमने इसमें ऐड किया पीनट, काजू, मगज का पेस्ट। इसको हम सभी मटेरियल को एक साथ बॉईल करके उसका पेस्ट बना लेंगे। और अगर जो पीनट है उसे हम पैन ब्रॉयल भी कर सकते हैं। ये हमने इसका पेस्ट बना के इसमें डाला। इसमें अब थोड़ी सीजनिंग कर रहे हैं। रेड चिली पाउडर के बाद हल्दी, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसको स्लो फायर पे कुक होने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम पनीर पसंदा बना रहे हैं, बेसिक जो हमने पनीर बना ली उसके साथ ग्रेवी आपकी चॉइस की रहती है। आप इसके साथ ज़ाफ़रानी ग्रेवी दे सकते हैं, पनीर बटर मसाले की ग्रेवी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो ग्रेवी बनाई है ये पीनट एंड काजू बेस्ड ग्रेवी है। कुछ अलग बनाने का मैंने सोचा तो ये बनाया। ये देखिए अब जो ऑयल है ऊपर सरफेस पे आ गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। आप अमूल क्रीम ही यूज़ कर सकते हैं, अमूल क्रीम बहुत अच्छा रहता है। फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं घर पे, लॉकडाउन में अभी है तो। थोड़ा सा कसूरी मेथी और अगेन इसको हम स्लो फायर पर रख के छोड़ देंगे सो देट कि ऑयल दोबारा ऊपर आ जाए। ये लीजिए हमारी ग्रेवी तैयार है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस ग्रेवी में हम डालेंगे अपने पनीर और सर्व करेंगे गर्मा गर्म पराठों के साथ या फिर पुलाव के साथ।